खेल का व्यापारी था और एक कसाई था। एक दिन वह बीरबल के पास गए और कसाई ने अपनी कहानी बताई। कसाई ने बोला, ये मेरी दुकान पे आया था तेल बेचने। तो इसने बोला, मैं तेल का व्यापारी हूँ, तो मुझसे तेल खरीदोगे? तो मैंने कहा, हाँ मैं खरीदूँगा। जब मैं बर्तन लेने गया तो इसने मेरी पोटली उठा ली और वहाँ से भाग गया। जब मैंने इसको भागते हुए मेरी पोटली लेके भागते हुए देखा तो मैंने इसका पीछा किया। किसी तरह मैंने अपना पोटली का थैला लिया और इससे मैं भाग गया वहाँ से। फिर वो तेल का व्यापारी बोलता है, नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये सही है, यहाँ तक सही है कि मैं इसको तेल बेचने आया था, लेकिन जो मुझे इससे इसने मुझे जब पैसे दिए तो मैं वो अपनी कोटली में रखने लगा। फिर उस इसने देखा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उसने जल्दी से मेरी कोटली उठा ली और फिर वहाँ से भाग गया। फिर बीरबल थोड़ी देर विचार करता रहा और फिर सोचा कि इनकी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ, इसको समस्या कैसे सॉल्व करूँ। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और फिर बीरबल ने अपने सिपाही को बोला, एक मटके में गर्म पानी लाओ। फिर वो सिपाही गर्म पानी ले आया, वहाँ पे रख दिया वहाँ पे। तो फिर बीरबल ने बोला कि वो पैसों की पोटली कहाँ है, उसको इस पानी में रख दो। फिर वो तेल का व्यापारी वो पैसों की पोटली लाता है और फिर वहाँ पे उस पानी में रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो बीरबल उस मटके में देखता है और फिर उसको बहुत सारा तेल दिखाई देता है। तो उसने सोचा, इसमें बहुत सारा तेल है, तो तेल के व्यापारी का ही है वो ये पोटली, जिसमें तेल होगा तो तेल के व्यापारी का ही होगा। फिर वो जो पोटली थी वो बीरबल ने उस तेल के व्यापारी को दे दी और फिर उस बीरबल ने बोला, इस कसाई को गिरफ्तार कर लो, इसको जेल में डाल दो। फिर वो कसाई को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो उसको जेल में डाल देते हैं। तो इससे वो जो तेल का व्यापारी था वो बहुत खुश हो गया। शुक्रिया।